नमस्कार विद्यार्थियों, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। कक्षा 10 में चैप्टर फर्स्ट वैदिक गणित हम पढ़ रहे थे। पिछले प्रीवियस वीडियो में या प्रीवियस क्लास के माध्यम से हमने वैदिक गणित के द्वारा संख्याओं का वर्ग व घनफल ज्ञात करना सीखा था। आज जो हम इसी वैदिक गणित में गुणन संक्रिया वह भाग संक्रिया के बारे में का अध्ययन करेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे आज हम? गुणा और भाग, यानी वैदिक विधि के द्वारा गुणन संक्रिया यानी गुणा करने कौन कौन से मेथड हमारे पास हैं और भाग के कौन कौन से मेथड हमारे पास। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं गुणा या गुणन संक्रिया सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, सूत्र त्रिगेभ्याम ऊर्ध्वे ऊर्ध्वत्रिगेभ्याम और सूत्र निखिलम आधार उपाधार। सूत्र निखिलम आधार उपाधार, ऊर्ध्वत्रिगेभ्याम। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें सूत्र निखिलम। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, एकाधिकेन पूर्वेण, इस फॉर्मूले की सहायता से। देखिए, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की सहायता से सभी संख्याओं का वर्ग वो गुणा नहीं किया जाता, सभी संख्याओं को गुणा इस फॉर्मूले की सहायता से नहीं किया। ये सभी संख्याओं के गुणन संक्रिया में जो है ये फॉर्मूला प्रभावी नहीं। तो फिर ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका गुणा इस फॉर्मूले की सहायता से किया जा सकता है? तो देखिए, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई अंकों का योग 10 या 10 की घात हो। कौन सा हो? ऐसी संख्याएं जिनके इकाई अंकों का योग जो है 10 या 10 की घात हो और शेष निखिलम अंक समान। तो उन संख्याओं का गुणा जो है इस फॉर्मूले की सहायता से किया जा सकता है। जैसे हम इस फॉर्मूले की सहायता से बारह इंटू अट्ठारह संकेत, देखिए इकाई अंकों का योग दो प्लस आठ कितना हो रहा है? दस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दो प्लस आठ कितना हो गया? दस हो गया। और शेष निकलम, शेष अंक क्या है? इधर भी एक है, इधर भी एक है, तो बराबर है कि नहीं है? इधर भी एक है और इधर भी एक है, दोनों कंडीशन लागू हो रही है। भाई इकाई अंकों का योग भी दस या दस की घात हो रहा है और शेष जो निकलम अंक है वो भी समान है। इसमें भी फॉर्मूला है, दो पक्ष होंगे वाम पक्ष
और दक्षिण पक्ष, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष। वाम पक्ष में तो क्या होगा, शेष निखिलम अंक इंटू उसका एकाधिक, शेष निखिलम अंक इंटू उसका अधिक और उसे चरम अंकों का गुणनफल। चरम अंक यानी इकाई अंक उनका गुणनफल आ जाए। तो देखिए इधर शेष निकला मंग कितना, एक एक इंटू, अब एक का एक अधिक यानी एक से जस्ट ज्यादा, एक से अधिक कौन सा है, एक अधिक दो, और इधर दो इंटू आठ, दो एकम दो और ये हो गया कितना, आठ दूनी सोलह। अब इधर कितने अंक होंगे, दक्षिण पक्ष में कितने अंक होंगे, उसका समायोजन किसके माध्यम से होगा, इसमें जीरो कितना है, अगर एक जीरो है तो अंक दो होंगे, दो जीरो है तो अंक चार होंगे, तीन जीरो है तो अंक छः होंगे, इसी हिसाब से अंक यानी आधार में यानी योग में चरम अंकों के या इकाई अंकों के योग में जितने शून्य हैं उसके दोगुने अंक जो है इधर दक्षिण पक्ष में हमें लेने पड़े। अगर नहीं है तो इसके आगे जितने शून्य कम, जितने कम पड़ रहे हैं अंक उतने शून्य लगा दो, और अगर ज़्यादा अंक है तो उसको आगे एडजस्ट करो। तो यहाँ एक शून्य है, दो अंक चाहिए अपने को, दो अंक हैं ऐसे कैसे, तो क्या हो जाएगा 216 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, 216। इस प्रकार से पांच सौ बारह इंटू पांच सौ अट्ठाईस, चरम अंकों का योग 12 प्लस 88 कितना हो गया 100, तो 10 या 10 के हाथ में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और शेष निकला अंक कितना है, शेष अंक 5, तो एकाधिकेन प्रभावी है सूत्र, एकाधिकेन पूर्वेण प्रभावी है कि नहीं, इस पे है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शेष निकला अंक कितना 5 इंटू उसका एकाधिक 6 और चरम अंकों का गुणनफल, 6 पंजे 30, 12 इंटे 96 हासिल की 9, 12 इंटे 96 और 9 21, 12 इंटे 96 हासिल की 9 और 12 इंटे 96 105 या। अब देखिए कितने अंकों का समायोजन होगा, इस पक्ष में कितने अंक चाहिए, आज योग में कितने शून्य हैं, दो, तो जितने शून्य हैं उसके दो गुने किसमें, केवल निखिल उसमें एकाधिकेन पूर्वण में, योग में जितने शून्य उसके दो गुने अंक किसमें जुड़ रहे हैं, सिर्फ एकाधिकेन पूर्वण, बाकी निखिल वगैरह में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो दो अंक है तो चार अंक चाहिए, नहीं चाहिए चार अंक है ऐसे कैसे, तो कितना आ गया 30.56 आ गया। इस प्रकार से हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वण से किसी भी संख्या का जो है जिसका चरम अंकों का योग 10 या 10 की घात हो और शेष निखिलम अंक जो है वो बराबर हो, उनका हम गुणा जो है किससे कर सकते हैं, एकाधिकेन पूर्वेण से। अब इसके बाद देखिए ऊर्ध्वोत्तरीय विहाम, ऊर्ध्वोत्तरीय भी बोलते हैं इसको, ऊर्ध्वोत्तरीय भी बोलते हैं इसको, ऊर्ध्वोत्तरीय विहाम दूसरी जो विधि है, इसमें क्या होता है, जैसे अभी यही संख्या ले लें हम 136 मल्टीप्लाई 224, इसके द्वारा इस फॉर्मूले के द्वारा कोई सी भी संख्या जो है उनको आप गुणा कर सकते हैं, दो अंकों का जो गुणनफल है इस फॉर्मूले की सहायता से आप आसानी से कर सकते हैं, सभी में प्रभावी होता है। सबसे पहले इसमें क्या होंगे, समूह बनेंगे, क्या बनेंगे, समूह, और समूह बनाने का फॉर्मूला 2n-1, समूह बनाने का जो इसका फॉर्मूला है वो क्या है,
टू एन माइनस वन। एन क्या है इसमें, स्तंभ संख्या एक दो तीन, तो कितना हो जाएगा दो इंटू तीन माइनस वन, यानी पांच स्तंभ बनेंगे। कितने स्तंभ बनेंगे, पांच, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर और फाइव, ये स्तंभ बनेंगे। अब क्या करना अपने को, समूह बनाने। समूह कैसे बनेंगे, पहले एक एक संख्या को लो, 136 इसके समूह बनाओ, तो पहले इधर से चालू करो, पहली पहली संख्या ऐसे कैसे लिखेंगे आप, फिर इसके साथ एक एक संख्या लेते चलेंगे, फिर 13 आ गया, फिर 136, एक एक संख्या ऐड करते चलेंगे। जैसे ही संख्या एक बार कंप्लीट हो गई, फिर इधर से एक एक संख्या छोड़ते चलेंगे। अब ये संख्या छोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 36, और फिर आ जाएगा 3 छोड़ देंगे तो 6 आ गया, हो गया समूह, पाँच समूह। इसी प्रकार से इसका समूह देंगे, दो 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 चार, दो चार और चार, ये आ गया। ये तो हो गया समूह बनाने का सिस्टम, लिखने का। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके मध्य एक सिंगल संख्या है तो ऊर्ध्व ऐसे तीर का चिन्ह, और डबल संख्या तो ऐसे त्रिक, ऐसे साइन लगा देंगे तीर का चिन्ह, ऊर्ध्व त्रिक। अब क्या करना, मल्टीप्लाई करना इनको, दो एकम दो ओब्लिक, दो एकम दो प्लस का चिन्ह लगा, दो तिया छः, चार एकम चार प्लस लगाते चलो, छः दूनी बारह प्लस तीन दूनी छः, तीन चौक बारह प्लस छः दूनी बारह ओब्लिक छः चौके चौबीस, ये हो गया दो, छः और दो आठ, बारह छः अठारह, चार बीस, अट्ठारह चार बाईस, चौबीस और ये भी चौबीस। अब इसमें प्रत्येक खंड से समायोजन का, प्रत्येक खंड से सिर्फ इकाई अंक रहेगा, इसको छोड़ करके सब में इकाई अंक जुड़ेगा, बाकी आगे जुड़ते चलेगा। तो यहाँ से कितना आ गया, चार, ये दो आगे जुड़ गया, चार और दो कितना हो गया, छः, ये इधर जुड़ गया, दो और दो कितना हो गया, चार, ये इधर जुड़ गया, दस हासिल की एक, और वो एक इधर जुड़ गया तो कितना हो गया, तीन, तो तीस चार सौ चौंसठ आंसर आ गया। कितना आ गया, तीस चार सौ चौंसठ। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये हो गया ऊर्ध्व त्रिज्यभ्याम, कौन सा सूत्र हो गया, ये ऊर्ध्व त्रिज्यभ्याम, इसकी सहायता से। जैसे भी हमने एक क्वेश्चन किया था पहले भी, 512 इंटू 588, ये नहीं करके अपन करें 205 इंटू 125, 205 इंटू 125, तो वही समूह कितने, तीन अंक है तो समूह कितने बन जाएंगे, पांच, तो 1 2 3 4 और 5 समूह बनाओ, 2 2 0 2 0 5 0 5 और 5 एक समूह बन गया। फिर दूसरा 1 1 2 1 2 5 2 5 और 5 सिंगल संख्या में ये चिन्ह और इसमें त्रिक चिन्ह आ जाएगा। मल्टीप्लाई, दो एकम ओब्लिक, दो दुना चार प्लस एक को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ गया, दो पंजे दस प्लस पाँच एकम पाँच प्लस दो को जीरो से मल्टीप्लाई करो जीरो आ गया, पाँच जीरो प्लस पाँच दुनी दस और पच्चम पच्चीस आ गया। ये हो गया दो, चार और जीरो कितना हो गया, चार, दस और पाँच पंद्रह, दस पच्चीस। प्रत्येक खंड से सिर्फ एक अंक, इकाई अंक लेना है, बाकी ढाई अंक को आगे ऐड करते रहो। तो इधर से पाँच आ गया, ये दो इधर जुड़ गया, दो हो गया, ये छः हो गए, पाँच और ये दो, ऐसे कैसे 25,625, ये इसका गुणनफल आ गया। तो सूत्र ऊर्ध्व त्रिज्यभ्याम द्वारा इस प्रकार से गुणा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब इसका सूत्र निखिलम, आधार और उपाधार। सूत्र निखिलम आधार और उपाधार के द्वारा गुणन संख्या, निखिलम आधार, पहले बताया मैंने आधार क्या होगा, दस या दस की घात होगा,
पंद्रह इंटू तेरह कितना हो गया? 15 × 13। संकेत में आधार तो क्या होगा इसका? 10। विचलन क्या होगा? संख्या माइनस आधार, तो कितना हो गया? +5 और +3। ये दो विचलन, दोनों के विचलन अलग हो गए। अब कैसे हल करेंगे? लिखने का तरीका देखिए, इसका संख्या और इसका विचलन, फिर संख्या और उसका विचलन। अब देखिए सूत्र, देखिए इसका, एक संख्या प्लस दूसरी का विचलन, दो पक्ष होंगे इसमें, तो पहले पक्ष में तो क्या आ जाएगा? एक संख्या और दूसरी संख्या का विचलन, और दूसरे पक्ष में क्या आ जाएगा? विचलनों का गुणनफल। क्या जाएगा? विचलनों का गुणनफल आ जाएगा, एक संख्या प्लस दूसरे का विचलन। अब यहां पर संख्या 15 लेंगे तो विचलन कौन सा लेंगे? 3, दूसरी संख्या का विचलन 3 है। और अगर संख्या 13 लेंगे तो विचलन कौन सा लेंगे? 5 लेंगे, ठीक है ना। तो कौन संख्या ले? 15 ले ले, प्लस दूसरी संख्या कौन सी है? 3, तो उसका विचलन आ गया। और इधर विचलनों का गुणनफल तो 5 × 3, 15 और 3 कितना हो गया? 18, और ये हो गया 5 × 3 = 15। अब देखिए आधार में कितने शून्य है इधर? 1। आधार में कितने शून्य है? 1, तो एक ही अंक इधर रहेगा इकाई अंक से, बाकी आगे चले जाएंगे। जितने अंक हैं आधार में उतने ही अंक इधर रहेंगे, बाकी जितने सारे के सारे आगे। तो यहाँ से केवल 5 रहेगा, ये इधर चला गया। ये आंसर याद, 98 × 101। आधार कितना हो गया? 100। विचलन एक का तो हो गया -02 और एक का हो गया +1, और इसका तो हो गया -02, संख्या माइनस आधार, 98 − 02 101 और +01। अब देखिए संख्या, एक संख्या प्लस दूसरे का विचलन, तो कौन सी संख्या ले लें? कोई सी भी ले लो, एक 98 लें तो +01 आएगा। अगर 101 ले रहे हैं आप तो क्या जाएगा यहाँ पर? -02 आ जाएगा। दोनों का गुणनफल तो 02 माइनस और × 01 कितना हो गया? 98 प्लस 1 कितना हो गया? 99 हो गया। और ये कितना हो गया? -02 हो गया। कितना हो गया? -02 को 1 से गुणा करेंगे तो भाई -02 आएगा। अब देखो इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे हम? एक आगे से उधार लेंगे, और वो किसके बराबर होगा? एक लेंगे, वो आधार के बराबर होगा। तो आधार कितना है? 100, तो एक लेंगे तो वही 100 हो गया, इससे तो बड़ा हो गया वही। तो यहाँ से एक लिया तो कितना हो गया? 98 हो गया, एक कम कर देंगे। और इधर 100 − 02 तो 98, और इधर भी 98। अब आधार में शून्य कितने हैं? 2। आधार में शून्य कितना है? 2, तो इधर भी कितने अंक रहेंगे इस वक्त में? 2 अंक रहेंगे, और 2 ही अंक है तो 98 आंसर आ गया। ये इसका गुणनफल आ गया। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया एकाधिकेन, सॉरी सूत्र निखिलम आधार। कौन सा फॉर्मूला हो गया ये? निखिलम आधार। अब निखिलम उपाधार देखिए, निखिलम उपाधार फॉर्मूला इसका, उपाधार अंक × एक संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन और विचलनों का गुणनफल, ठीक है। उपाधार अंक भाई, ये तो आधार वाली विधि में था, एक संख्या दूसरे का विचलन विचलन गुणनफल। हमें क्या करना है? इस बाएं पक्ष को जो है उपाधार अंक से भी मल्टीप्लाई करना। 24 × 26, आधार कितना होगा? 10,
उपाधार अंक कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। तो विचलन कितना हो जाएगा? फोर व सिक्स। तो देखिए संख्या और उसका विचलन, उपाधार अंक कितना है? दो, दो इंटू संख्या प्लस दूसरे का विचलन, संख्या कौन सी? 24 और प्लस विचलन आ गया और दोनों का गुणनफल आ गया 4 × 6, 2 × 30, 24 और से कितना हो गया 30 और 6 × 24, ये हो गया कितना 60 24। आधार में जीरो कितना? एक। आधार में जीरो कितना है? एक। तो इधर से केवल एक ही अंक रहेगा, बाकी आगे ऐसे कैसे जुड़ जाएगा? तो 624 अंक आ गए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका। त्रेपन इंटू 51, आधार 10, उपाधार कितना 5, विचलन जो है 3 व 1, विचलन कितना आ गया इसका 3 व 1 आ गया। अब देखिए प्लस 3 उपाधार अंक 5, संख्या 53 प्लस दूसरी का विचलन और विचलन 5 × 54 आ गया और ये आ गया 3 × 3, 5 × 20, 5 × 25 और 2 = 27 और ये 3। अब देखिए आधार में 0 एक ही है तो इधर से एक ही अंक रहेगा, 3 आ गया, 0 = 5703 आंसर आ गया। इस प्रकार से सूत्र निकलम आधार और उपाधार से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा गुणन संक्रिया जो है वैदिक गणित में कंप्लीट है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। अब देखिए भाग विधि, भाग संक्रिया, इसमें तीन मेथड है हमारे पास, सूत्र निखिलम, सूत्र परावर्ते योजित और तीसरा जो है दवजांग, तीसरा क्या है इसमें? दवजांग। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें सूत्र निखिलम द्वारा, एक संख्या 111034 भाग 889, इसका भाग हमें इसमें देना और भागफल और शेषफल ज्ञात करना है सूत्र निखिलम द्वारा। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि भाग जो है वो लिखा कैसे, संख्याओं को लिखते कैसे हैं, या संकेत में देखें। सबसे पहले तो आधार चुनेंगे, आधार क्या होगा? भाजक के निकटतम संख्या होगी, तो ये किसके निकटतम है? 1000 के। फिर पूरक संख्या ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे? पूरक संख्या, पूरक संख्या क्या होगा? आधार माइनस संख्या, पूरक संख्या क्या होगी? आधार माइनस, तो आधार कितना 1000, तो माइनस 889 कितना आ गया? 111 आ गया, कितना आ गया? 111।
अब देखिए इसको लिखते कैसे संख्याओं को, इसमें तीन स्तंभ होते हैं, तीन खंड होते हैं, ये प्रथम खंड हो गया, ये द्वितीय खंड हो गया और ये तृतीय खंड हो गया। इस प्रकार से तीन खंड बनाते हैं हम, ये प्रथम खंड, ये द्वितीय खंड और ये तृतीय खंड। ध्यान दें संख्याओं को लिखते कैसे। अब प्रथम खंड में यहाँ तो क्या आएगा, ऊपर तो आएगा भाजक जो कितना है 889, यानी यहाँ तो आएगा लिखा जाएगा भाजक, और नीचे पूरक संख्या जो कितनी 111। यहाँ भाजक हो गया। अब देखिए अब भाजक वो आधार में कितने शून्य हैं, तीन। आधार में कितने शून्य हैं, तीन जीरो है। तो इसमें जितने जीरो हैं भाज्य के इकाई अंक से एक दो तीन अंक जो हैं तृतीय खंड में लिख दो। कितना लिख दें, तृतीय खंड में, और बाकी मध्य खंड में ऐसे कैसे लिख दो। यानी आधार में जितनों जीरो हैं उतने ही भाज्य के इकाई अंक से एक दो तीन उतने अंक गिन करके और तृतीय खंड में लिखना अपने को, और बाकी जो संख्या बच रही है भाज्य की उसको मध्य खंड में अपने को लिखना। अब देखिए क्रियाविधि कैसे होगी इसकी। इसकी जो पहली संख्या है वो ऐसे कैसे योग करके नीचे लिख दो आप, पहला स्तंभ जो है ऐसे कैसे योग करके नीचे, यहाँ यहाँ पर जो संख्या आएगी मध्य खंड में जो योग पल आएगा वो भागफल कहलाएगा और तृतीय खंड में जो आ रहा है वो शेषफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, शेषफल। अब ये आ गया, जोड़ करके लिख दिया इसको अपने स्तंभ को। अब इसको हमें क्या करना है, पूरक संख्या से मल्टीप्लाई करना है। इसको क्या करना है, पूरक संख्या। तो एक को 111 से गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 111 हो गया। अब 111 को हमें आगे की संख्याओं के नीचे लिखना है, लेकिन ध्यान है प्रत्येक के नीचे एक ही संख्या आएगी, तो 111 के नीचे एक एक और एक चल रहा है। फिर क्या करना अपने को, अब इस दूसरे स्तंभ को जोड़ करके लिख दो, एक प्लस एक कितना हो गया, दो। फिर इस दो को गुणा करना 111 से तो कितना हो गया, 222 हो गया। फिर इसको योग करके लिखना है तो कितना हो गया, चार। चार को मल्टीप्लाई करना है इससे, कितना हो गया, 444। अंतिम खंड के नीचे पहुंच गया क्या, बस भाग प्रक्रिया। यानी ये जो संख्याएं लिख रहे हैं वो तृतीय खंड में अंतिम अंक जो है उसके नीचे तक आ जानी चाहिए, बस वही भाग प्रक्रिया कंप्लीट। और इसको जोड़ लो, चार और चार आठ, तीन और पाँच और चार नौ, तीन और चार 798। यहाँ पर आ गया जो तो कहलाएगा भागफल, तो भागफल तो कितना हो गया, 124। और शेषफल कितना हो गया, 798। यानी भागफल तो कितना हो गया, 124, और शेषफल कितना हो गया, 798। सबसे पहले देखिए, दोबारा देखिए, आधार लेंगे पहले तो भाजक के अकॉर्डिंग। भाजक अगर 10 के निकटतम है तो 10 आधार लेंगे, 100 के निकटतम है 100 आधार लेंगे, 1000 के निकटतम है 1000 आधार। फिर पूरक संख्या ज्ञात करेंगे, संख्या आधार माइनस संख्या, तो 1000 - 899 कितना आ गया, 111। अब लिखने का तरीका देखिए, तीन स्तंभ ऐसे दो स्तंभ खींचो पहले, तो दो स्तंभ खींचेंगे और एक क्षैतिज, दो तो ऊर्ध्वाधर स्तंभ बनाएंगे और एक क्षैतिज बनाएंगे, तीन खंड बन गए। ये प्रथम खंड कहलाएगा, ये मध्य खंड कहलाएगा, ये तृतीय खंड कहलाएगा, ठीक है। अब संख्याओं किस में, कौन से खंड में कौन सी संख्याओं को रखा जाता है वो देखिए। तो सबसे पहले प्रथम खंड की बात करें तो प्रथम खंड में ऊपर यहाँ पर घातांक के स्थान पर तो क्या आ जाएगा, भाजक, और नीचे क्या आ जाएगा, पूरक संख्या, ठीक है। फिर तृतीय खंड में, यानी यहाँ आधार में जितने शून्य हैं, आधार में जितने शून्य हैं भाजक के इकाई अंक से उतने ही अंक, जितने शून्य के बराबर, तीन शून्य तो एक दो, तीन दो शून्य हो तो एक दो, इस प्रकार से ये अंक तो कितने आ जाएंगे, तृतीय खंड में। और जो आगे के शेष बच गए वो किस में आ जाएंगे, मध्य खंड में आ जाएंगे। ये लिखने का तरीका हो गया। अब फिर क्या करना अपने को, सब जो पहला स्तंभ है उसको ऐसे कैसे यहाँ योगफल के स्थान पर लिख दो, और उसको फिर इस पूरक संख्या से मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कर दिया, एक आ गया, एक को 111 से 111 हो गया, आगे की संख्याओं के नीचे प्रत्येक के नीचे एक एक अंक आ जाए, इस प्रकार से लिखना। फिर दूसरे स्तंभ को जोड़ लो, एक और एक दो आ गया, फिर इसको पूरक संख्या से गुणा करना पड़ेगा तो 222। तो फिर आगे वैसे ही लिखना है, एक एक संख्या नीचे एक एक, फिर इनको जोड़ लो, चार चार को फिर गुणा कर दो 444। इस प्रकार चलता रहेगा कब तक, ये अंतिम अंक चार है उसके नीचे अंक आ गया, तो अंतिम अंक के नीचे जब तक संख्या नहीं पहुंच जाए तृतीय खंड में, ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब जब कंप्लीट हो गया तो इसको भी जोड़ लो, यहाँ योग आएगा वो क्या कहलाएगा, शेषफल, और यहाँ योग आएगा वो क्या कहलाएगा, भागफल आ गया। अब इसमें एक प्रक्रिया होती है, संशोधित शेषफल और संशोधित भागफल भी होता है। कैसे, कि जैसे यहाँ भाजक कितना 889, यह शेषफल कितना 798, तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होना चाहिए। यहाँ छोटा ही आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर बड़ा है तो फिर क्या करेंगे, हम इस भाजक को एक बार इसमें से घटा देंगे, एक बार घटाएंगे तो एक इसमें प्लस भी, संशोधित भागफल कहलाएगा और ये संशोधित शेषफल कहलाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो इसका,
311 भाग 8, 311 भाग 8। आधार कितना हो गया इसका? 10। पूरक संख्या 2। पूरक संख्या कितनी आ गई? 2। अब लिखने का तरीका है, दो लाइन ऐसे, एक क्षैतिज, आधार में कितने जीरो हैं, यहां तो आ जाएगी पूरक भाजक और नीचे आ जाएगी पूरक संख्या। आधार में जीरो कितना है? 1। तो इधर से एक इकाई अंक इधर आ जाएगा और बाकी इधर आ जाएगा। अब देखें पहले स्तंभ को ऐसे कैसे जोड़ करके लिखेंगे, कितना आ गया? 3। 3 को किसे गुणा करेंगे? पूरक संख्या से, तो 3 × 6 आ गया। फिर इसको जोड़ के लिख देंगे, कितना हो गया? 7। 7 × 14 आ गया। इसको भी जोड़ लेंगे तो कितना हो गया? 15 हो गया। 14 × 1 = 15। अब देखिए यहाँ पर ये जो 15 है वो क्या हो रहा है? इस 8 से ज़्यादा रहा है, भाजक से ज़्यादा रहा, तो क्या करेंगे? -8। एक बार घटाएंगे और एक बार इसमें प्लस भी कर देंगे, एक बार ही घटा रहे ना, तो कितना आ गया? 38। और ये कितना आ गया? 7। 15 − 8 = 7। अब ये इसे छोटा गया, तो ये क्या कहलाएगा? संशोधित भागफल। 38 और संशोधित शेषफल कितना हो जाएगा? 7। इस प्रकार से हम निखिलम द्वारा भाग ज्ञात करते हैं। सूत्र परावर्ते योजित। देखिए सूत्र परावर्ते योजित में दूसरा 1358 भाग 113 संकेत। आधार, अब इसमें देखिए विचलन ज्ञात करेंगे, पूरक संख्या नहीं ज्ञात करेंगे, इसमें क्या ज्ञात करेंगे? विचलन। और विचलन क्या होता है? संख्या माइनस आधार। विचलन क्या होता है? संख्या माइनस आधार होता है, ठीक है। तो यहां कितना हो जाएगा? अब परावर्त्य अंक ज्ञात करते हैं। परावर्त्य अंक, परावर्त्य अंक का मतलब कितना हो गया, क्या हो गया कि विचलन में जो दोनों संख्याएं या एक संख्या जितने उसका चिन्ह बदल, तो कितना हो जाएगा? -1 − -3 हो जाएगा। अगर प्लस है तो उसको माइनस कर दो और माइनस है तो उसको प्लस कर दो, इस प्रकार से बोलते हैं, ठीक है ना। ये परावर्त्य अंक का मतलब हो गया कि विचलन में जो अंक प्राप्त हो रहा है हमें उसमें क्या करना है, यहां पर चिन्ह बदल देना है। अब लिखने का तरीका देखिए, सेम वही तरीका है, दो स्तंभ ऐसे और एक स्तंभ ऐसे। यहां पर क्या आएगा? ऊपर तो आएगा भाजक, बीच में आएगा विचलन और यहां परावर्त्य अंक -1 − -3 इस प्रकार से आएगा, ठीक है। बाकी आधार में कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो इसके 2 अंक तो इधर आ जाएंगे और बाकी 2 अंक शेष अंक इधर आ जाएंगे। आगे की प्रक्रिया शेष निखिलम की तरह ही है। पहला स्तंभ ऐसे कैसे जोड़ करके लिख दिया? 1 को अब इसको मल्टीप्लाई किसे? परावर्त्य अंक से करेंगे, तो कितना हो गया? -1 − -3, तो -1 और -3 आ गया। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 3 − 1 = 2 हो गया। 2 को गुणा करेंगे तो कितना हो गया? -2 − इकाई अंक तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अब देख लो 8 − 6 कितना हो गया? 2 और 5 और ये 5 कितना हो गया? 0 आ गया। तो भागफल तो कितना आ गया? 12 और शेषफल कितना आ गया? 2 आ गया। इस प्रकार से हम इसका क्वेश्चन से कर 21 12 भाग 97 संकेत। आधार 100, विचलन जो है माइनस, क्योंकि संख्या आधार माइनस संख्या आएगा,
तो आधार कितना है, संख्या माइनस आधार, सॉरी, तो 97 माइनस 100 03 माइनस में आएगा दोनों में। परावर्त्यंक दोनों किसमें हो जाएंगे, प्लस के, दोनों माइनस के, यहाँ पर यहाँ दोनों किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ऐसे विभिन्न कोलम संख्या के रूप में, तो ये प्लस में हो जाएंगे दोनों। अब लिखने का तरीका, यहाँ तो भाजक, यहाँ विचलन और यहाँ, ठीक है, ध्यान दें, जब आधार डबल शून्य में 100 1000 इस प्रकार, तो विचलन भी जो है डबल अंक में ही होगा। आधार 30 में 1000 में है तो विचलन 3 डिजिट में होगा, इस बात का विषय ध्यान। अगर इसको 3 लिख देंगे आप, यहाँ पर आधार 3 कर देंगे, 03 नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, इस बात का विषय ध्यान देंगे। आधार में 20 है तो इससे 2 अंक इधर आ गए और बाकी अंक इधर। पहला स्तंभ ऐसे कहीं जोड़ करके लिख दिया अपने, दो इसको यहाँ परावर्त्यंक से गुणा करेंगे 06, 2 को 03 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 06, तो 0 यहाँ आएगा और 6 ये आएगा, इस प्रकार ध्यान देंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना 1 को गुणा करेंगे तो वही 03, इकाई इनके नीचे पहुंच गया, भाग कंप्लीट, 3 और 2 5 6 और 1 7, तो भागफल कितना आ गया 21 और शेषफल कितना आ गया 75। इस प्रकार से इसके क्वेश्चन हमें सोल्व कर दो। इस वीडियो के माध्यम से आज आपको चैप्टर जो फर्स्ट है 1.1, उसमें से आपको गुणन संक्रिया यानी गुणा वाले प्रश्न और सूत्र निखिलम और परावर्त्य अंक से आपको भाग वाले क्वेश्चन हल करने। धन्यवाद।